नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं परिवर्तन तो। अभी हम लोग जो है भसवाड़ी पंचायत के कटघरवा में है और यहाँ पे जो है डीलर की मानामानी को लेकर के बहुत सारे जो है इस डीलर के पास जितने लोग भी राशनधारी वाले हैं वो सारे लोग कॉल किए और कल से लेकर के अभी तक मेरे पास बहुत सारा कॉल आ रहा था कि आप तो जरा यहाँ पर आ करके और उसका जो है एक निरीक्षण कीजिए कि आखिर हम लोगों को यहाँ पर राशन कम दिया जा रहा है, पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है और समय पर राशन भी नहीं दिया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रहा है और इस बारिश में जो है हम लोग जनता की आवाज़ को जो है बुलंद करने के लिए अभी हम लोग कटघरवा में पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दिखाइए आप उधर कैमरा में, यहाँ पे बहुत सारा अभी लोग जो है राशन लेने के लिए उधर साइकिल का भीड़ भी देखिए कितना लगा हुआ है। और यहाँ पर डीलर के घर पे लोग बकायदा आए हुए हैं राशन लेने के लिए और अभी ये लोग खड़े हैं और सुबह से शायद ये लोग खड़े हैं और अभी तक राशन नहीं मिला सैनिटाइज भी देते। देखिए यहाँ पे जो है जो राशन यहाँ पर बांटती हैं उनका जो है बोर्ड लगाया हुआ है लाइसेंस बोर्ड और यहाँ पर बकायदा देखिए लिखा गया है मार्च से अगस्त तक 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक राशन का वितरण करना है। और अभी हम आपको समय बता दें कि 11:15 हो रहा है लेकिन इस टाइम ये सारा लोग खड़ा है और यहाँ पर राशन नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए सितंबर से लेकर के फरवरी तक 8 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे शाम तक बांटना है दोपहर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग सुबह से खड़े हैं और उन लोगों को जो है यहाँ पर राशन का वितरण नहीं करवाया जा रहा है। और आइए हमारे पास देख करते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? कब से आए हैं यहाँ पे? 2 घंटा हो गया तो राशन अभी तक नहीं मिला है, कहाँ हैं? पूछे हैं यार। हाँ, तो क्या बोला है लोग? कहाँ कुछ कहा है लोग कि अभी आज देंगे कि कब देंगे? तो अभी मैंने कि कोई उसका जो है लिमिट नहीं है। कल बटा रहा था। हाँ, कल बटा है। आज मशीन खराब हो गया। हाँ, सब जो साइड में हो गया। आपका क्या नाम पड़ेगा? कब से आए हैं आप यहाँ पे? 1 घंटा हो गया। क्या राशन अभी तक नहीं मिला? आगे तो मशीन बंद है, खुली है। अधिकारी द्वारा बात की थी, बोल रहे हैं मशीन बंद है। ये बोल रही है या अधिकारी बोल रहे हैं? वो बात नहीं, अधिकारी उसके बात नहीं है। अरे तो एक चीज़ बताइए, हम सुनने में आया है यहाँ पे पिछले बार तो फ्री में राशन दिया गया है यहाँ पे जो फ्री इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद हमको यहाँ पे पता लगा है कि कम राशन दे रहा है। क्या ऐसा मामला है? अभी लोग राशन तो कम मिल जाता है। आपको मालूम नहीं? चलिए यहाँ पे और कुछ लोग, आपको मालूम है कि कम ही राशन मिल रहा है? जो भी जितना मिलना चाहिए उतना पूरा बिल कुछ। यहाँ पे एक और सकते हैं उनसे बात। क्या नाम पड़ेगा आपका? कब से आए हैं यहाँ पे? 2 घंटा हो गया तो राशन नहीं मिला अभी तक। सुबह चाहिए बहुत। अच्छा, अभी बिहार में पर डे जोर शोर से बारिश चल रहा है और बारिश और बाढ़ दोनों बिहार के लोगों को परेशान किया और उसका एकमात्र यदि कोई सहारा है तो वह सरकारी राशन है जो लोगों को दी जाती है। अभी बिहार में धान की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पहले हम आपको दिखाए भी हैं कवरेज करके, लेकिन उसके बावजूद भी यदि राशन लोगों को समय पर नहीं मिले तो समझिए कि अब बिहार की दुर्भाग्य है कि लोगों को भूखे मरना पड़ेगा। कुछ लोग तो बेरोजगार हैं लेकिन जब खाने के लिए राशन नहीं मिलेगा उसके बावजूद लोगों को मरना पड़ेगा। इसलिए अगर आप राशन नहीं मिला है तो राशन कौन भी मिल रहा है आप यहाँ पे कि 48 रुपया तेल लेने के लिए लगता है लेकिन 50 रुपया दिया जा रहा है यहाँ। अभी तेल लेने नहीं आया था, लड़का आया था तेल। अब तो यह सुनने में आया है कि यहाँ पे 48 रुपया लगता है तेल लेकिन 50 रुपया और 50 रुपया जो यहाँ के मिले होंगे। अब यह जो आया था उन लोगों से बात किया। अब क्या कहना पड़ेगा? वक्त आए यहाँ क्या बात? हम उनसे भी बात करेंगे, पहले लोगों की मूड को ले देख लेते हैं कि लोगों का क्या करना। आपका क्या नाम पड़ेगा? कब से आए हैं यहाँ पे? आप क्या कर रहे हैं? हमारी सजा इतनी मिलती है खैर, हमको तो मजबूरी है क्योंकि लोग इतना फोन तो फोन कर रहे थे उनको आने पर। क्या राशन क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ?
हमें सुबह कुछ बताएगा नहीं, यहाँ पे और कुछ आइए, यहाँ पे महिला लोग रहते हैं सभी बात कब से आए हो नहीं है क्या रखना मिलेगा क्या बोल आपके बंद हो गए हम नहीं चलिए हम डीलर साहब के भी जो बात कर रहे हैं क्या करें रुआ बताइए कब से पड़ जाएगा पिछले बार आपको लिया गया नहीं कब मिला आपको लोगों कितना मिलेगा बीस किलो कम मिला कितना कार्ड में आने वाला होगा पता है तीन आदमी है बा पाँच तीन है पंद्रह के जी वाला पंद्रह के जी में से दो के जी इनको काट लिया गया बचा तेरह के जी अब बताइए कि तेरह के जी में यह अपना जीवन यापन एक महीने के लिए कैसे करेंगे गवर्नमेंट को भी यह सोचना चाहिए और जो डीलर यहाँ के राशन बांट रहे हैं उनको भी कम से कम इस बात को जो है सोचना चाहिए कि गरीब लोगों को हक मार कर आखिर हम क्या करेंगे आप भी आए थे पिछले बार आपको लेने के लिए दो घंटा आप ही यहाँ पकड़े नहीं मिलाएगा पिछले बार आपके लिए आए थे क्या कम नहीं मिलेगा सर दो किलो कम मिलेगा यानी कि स्वाभाविक है देखिए यहाँ पे जितने लोग पिछले बार राशन लेके लेने के लिए आए थे उन सारे लोगों को जो है दो दो किलो राशन कम दिया गया पर काट के आप बताइए कि अभी बिहार में जिसके पास जिसके पाँच बच्चे को बच्चा है उसमें से दो से तीन को राशन कार्ड में नामित है और उसमें से भी जो है डीलर लोगों का एक नया जो है एक रूल चला हुआ है कि पर काट के हम दो के जी राशन को काट लें बताइए कि अब वो लोग अपना भरण पोषण एक महीने के लिए कैसे करेगा और अभी जो है बिहार में इतनी क्राइसिस चल रही है अब सुबह से यहाँ पर लोग आकर के और परेशान है लगभग 12 बजे में जाओ बहुत लोग खाना खा कर आया होगा बहुत लोग जिला का बिना उठा आया है यहाँ पे और अभी तक जो है उन लोगों को राशन नहीं दिया गया हालांकि यहाँ के जो डीलर हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ जो है यहाँ पे गड़बड़ी है और ये लोग आखिर क्यों नहीं लोगों को समय पर राशन दे पा रहे हैं सुबह से लोग यहाँ पर खड़ा है राशन नहीं मिल रहा है क्या कुछ मिल रहा है मशीन बंद हो जाने का काम नहीं चल रहा है सात बजे तक पर्ची निकाले हालांकि यहाँ का तो ऑर्डर है कि 7 बजे के बाद ही बांटना है तो 7 बजे से पहले आपको कोई बात नहीं है अच्छा अच्छा नहीं सत्य नहीं हमको राशन नहीं मिला अच्छा अच्छा वो सत्य है जिसको नहीं मिला वो तो कहेगा ना कि नहीं मिला बात नहीं है पूरा पब्लिक कह रहा है हमको राशन नहीं मिला है सत्य नहीं ना नहीं नहीं जिसको मिला होगा वो ही बोलेगा हमको सिर्फ इतना कहना है कि आज सुबह में हम 25 गो पर्ची निकाले हैं उसके बाद मशीन बंद हो गया है हम आगे फोन किए हैं ऑफिस में ऑफिस बोला है कि मशीन बंद है पटना से अब कहीं दिन भर में खुल जाएगा तो खुल जाएगा नहीं खुलेगा तो जुलाई का मशीन खुलेगा जुलाई का राशन जुलाई का राशन बिक्रम होगा जून का खत्म हो गया जून का आज अगर खुल जाएगा बोला है आपसे उनका नाम बताइए आप नाम बताइए जो बोला है आपको कि राशन नहीं देना है जुलाई का राशन अब बटेगा यहाँ पे जो लोग बाकी है उनको नहीं दिया जाएगा तन्मय मिश्रा यानी कि बिहार सरकार और बिहार सरकार के जितने भी स्टाफ हैं सारे के नजर में एकमात्र दोषी है तो वह पब्लिक है न कि बिहार सरकार के भ्रष्ट जो कर्मचारी है जो डीलर है इन सारे चीजों को लेकर के चाहे कोई भी पदाधिकारी वे भ्रष्ट नहीं है बल्कि ये जनता और मुखदर्शी बन करके भ्रष्ट है जनता भ्रष्ट है जो लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को नहीं सुना जाता है बिहार सरकार के अंडर में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा और इनको बकायदा बोल दिया जाएगा कि आज अब बंद हो चुका है मशीन इसके बाद नहीं मिलेगा राशन अब ये लोग अब जुलाई का राशन आएंगे देने के लिए मैडम का कहना है कि अब जुलाई का राशन मिलेगा और इनके अंडर में 1000 जो राशन कार्डधारी होंगे अब उनको उनमें से 500 का बांट दिए 500 का जो राशन उठा होगा वो अब इनके अंडर में और इनके खाते में चला जाएगा और मंडल पदाधिकारी के सहयोग के द्वारा मिल करके उसको रख लिया जाएगा और इनकी हक को मार करके और रख दिया जाएगा देखिए और ये बाकायदा बोल रही है अब कि हम लोग अब जुलाई का राशन देंगे।